नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2023। कल एनएफपी डेटा था, डेटा का रीडिंग्स क्या आया आप सभी को पता है, लेकिन जस्ट आफ्टर द डेटा डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होना चालू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में मार्केट जो था उल्टा डायरेक्शन में, यानी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना चालू हो गया। ऐसा क्या हो गया है कि डॉलर इंडेक्स पहले डिप डाउन किया एंड फिर बाउंस बैक किया हायर? उसका मेन रीजन था, आफ्टर एनएफपी डेटा द डॉलर इंडेक्स रोज फ्रॉम द डेज लो इन ए ब्रॉड रिवर्सल ऑफ एन इनिशियल सेल ऑफ इन रेस्पॉन्स टू फ्राइडेज यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट विथ पीएमआई एंड आईएसएम रीडिंग्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट as well as Cleveland Fed President's somewhat hawkish take on the jobs data. जैसे ये interpretations आया, dollar index strong हो चुका है। आइए आते हैं chart में। कल morning का जो pre-market analysis था, वहां पे मेरा ये take था, मेरा ये expectations का कि dollar index नीचे सॉफ्ट होना चाहिए एंड 31 अगस्त के लो के नीचे आना चाहिए। एंड मेरा जो ये assumptions था या expectations था वो wrong हुआ है, negate हुआ है। जब कुछ सही जाता है तो मैं क्रेडिट लेने के लिए आ जाता हूं, जब गलत जाता है तब भी मेरे को आना चाहिए। सो यहाँ पे मेरा ये expectations था कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा एंड उसके बाद दिन और फर्दर सॉफ्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा, जो हुआ नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम, वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। दैट बीइंग द केस, अभी क्या, अभी डॉलर इंडेक्स जो डेली है आरएसआई एट 62.07। एक नजर वीकली पे आ जाते हैं। वीकली जो है करेंटली आरएसआई एट 56.63, दैट बीइंग द केस अप्रोचिंग 60 रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे जो 105.50 से 105.70 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस एरिया। मंथली आरएसआई आल्सो इन बिटवीन 40 टू 60, करेंटली एट 55.34। सो यहां पर भी मंथली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज टच है, और एज वीकली पे ऊपर में रेजिस्टेंस का एक्सपेक्टेशन है। दैट बीइंग द केस, मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा बुलिशनेस डॉलर इंडेक्स में हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 105.50 एरिया पे। वहां पे जाके हमें प्राइस सेक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा, क्या ये सॉफ्ट होता है या नहीं। डॉलर रुपी, बिफोर कमिंग टू द डेली चार्ट, लेट्स डिप डाउन टू मंथली चार्ट। मंथली जो चार्ट है वो है एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल, ऑल्दो द कैंडल इज ग्रीन इन कलर, बट price rejections at the top. That being the case, ये जो ऊपर की तरफ 83 से 83.40, ये आने वाले समय में stiff resistance बनने वाले हैं। Monthly chart complete हो गया है। Weekly जो है, weekly आपका 14th August का week followed by your 21st August का जो week था, दोनों ही लेवल पे RSI took resistance at 60 and उसके बाद नीचे आया। That being the case, weekly chart में for few weeks dollar rupee is expected to be below 83.10. That being the case, option writers, the call writers can write 83 quarter या 83 half call option and enjoy the premium for next few weeks. अभी आते हैं स्पॉट डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे प्राइस रिजेक्शंस चल रहा है एट द हायर एंड टुवर्ड्स 82.80 82.85 लेवल्स में एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शंस आ रहे हैं। दैट बीइंग द केस, दिस हैज बिकम ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया। उस लेवल पे शॉर्ट के लिए इन डेली या इंट्राडे पर्पस में हम देख सकते हैं। हॉरिजन द लोअर साइड 82.50 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सपोर्ट। दैट बीइंग द केस, द नैरो रेंज फॉर डॉलर रुपी इज 82.50 and 82.85। इसे रेंज में खेलना चाहिए एंड द ओवरऑल जो ऐसा प्रतीत होता है कि डॉलर रुपए का जो रेंज होना चाहिए वो है आपका ऑन द लोअर साइड 82.20 से 82.35
एंड ऑन द हायर साइड 82 8330 से 8340 के बीच का रेजिस्टेंस। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। जैसे जीबीपी डॉलर डेली में, यहाँ पर डॉलर इंडेक्स का व्यू गलत गया, तो जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर्स, डॉलर ये सब में मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था पूरा का पूरा गलत हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आफ्टर द एनएफपी डेटा डॉलर मींस द जीबीपी डॉलर का जो प्राइस है, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ताकि ये आपका 31 अगस्त के हाई के ऊपर बाई के लिए एक बढ़िया सा कैंडिडेट बने। लेकिन प्राइस वैसा हुआ नहीं जो हम चाहते थे, हालांकि ट्रिगर भी हुआ नहीं है, इस 31 अगस्त के हाई के ऊपर प्राइस गया भी नहीं है। सो जो लॉन्ग के लिए जो बिल्डअप था उस ट्रिगर हुआ नहीं, बट जो हमारा एक्सपेक्टेशन का उसका उल्टा ये कैंडल फॉर्म हुआ है। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट, मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम पहले मंथली चार्ट में एक देख लेते हैं। मंथली चार्ट जो है डॉलर इंडेक्स का, वो है एक साइडवाइज कंसोलिडेशन एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न्ड। आरएसआई करंटली एट 49.60, सो यहां पे 4060 के बीच में एक साइडवाइज कंसोलिडेशन ऑन ए बिगर रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर वीकली जो चार्ट है वो अबव 60 से नीचे बिलो 60 में आके थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। दैट बीइंग द केस, वीकली चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है बाय द क्लोज ऑफ वीक। दैट एंड आपका जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है, इन सच ए केस जीबीपी डॉलर में सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 1.24 1.2430 के तरफ। जीबीपीएनएल में सिमिलरली हमारा एक एक्सपेक्टेशन था ग्रीन कैंडल का, जो बना नहीं है एंड मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे जो देखना है मंथली चार्ट एक नजर देख लेते हैं। मंथली चार्ट में आरएसआई एट 60.13, सो क्या इस जोन पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है क्या इसके नीचे आ जाएगा? दैट मीन्स 103.80 के नीचे आने वाले हफ्तों में क्या नीचे आएगा? इन सच ए केस जीबीपी डॉलर, जीबीपी आईना थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन आरएसआई एट 60, सो क्या सितंबर मंथ में सपोर्ट लेगा? सो दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न। एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, ये 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। दैट बीइंग द केस, सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे एक ही चीज जो है वो है आरएसआई करेंटली एट 40.80, सो क्या ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेट करेगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा? अगर 40 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, इन सच केस एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोबेबल टारगेट जो हो सकता है जीबीपी आईएनआर पे 103.50, देन योर 102.50 एंड देन योर 101.80। दीज आर द थ्री प्रोबेबल टारगेट्स इफ मीन्स आरएसआई, डेली आरएसआई बिलो 40 के नीचे चले जाते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर जो मंथली कैंडल है वो साइडवेज है विथ ए नेगेटिव बायस, आरएसआई एट 47.80, सो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज ऑन द हायर साइड 1.10 is expected to act as a strong resistance and probable support at 1.0650 as the first support. Weekly pe RSI jo hai 60s mein resistance ke baad kafi niche aa chuka hai, currently at 45.97. so yahan pe abhi jo pehla support ho sakta hai wo hai 1.0670 1.0680, usko bhi agar break down karta hai to hum thoda sa further sell off ke liye soch sakte hain. As far as the daily is concerned, daily mein sell optics may be considered keeping 31st August ka high as the stop loss. Euro INR yahan par bhi hum log expect kar rahe the after the NAP ek bullish candle ke liye, bullish candle bana nahi hai, rather ek
नेगेटिव बियरिश कैंडल बन चुका है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे काफी वीकनेस बन रहा है. सिंस मंथ अगस्त कंप्लीट हो चुका है तो हम मंथली चार्ट का भी देखेंगे. मंथली यहाँ पे देखिए आप रेजिस्टेंस जोन पे रेस्पेक्ट कर रहा है. सो ऊपर के एंड पे एज फार एज द यूरो आइनर इज कंसर्न थोड़ा सा रेजिस्टेंस है. वीकली जो है वो यहाँ पे RSI रेजिस्टेंस 60 में रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ चुका है. करंट रेट 48.93. सो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग बायस है. ऑल्सो द कैंडल जो बना है जब तक करंट वीक के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है, एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम. और डेली पे जो है आपका एक ही है कि यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना नहीं चाहिए. अगर बाउंस बैक करता थोड़ा सा अपटिक होगा, बट वहां पर भी हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड यूरो आईएनआर पे. जी डॉलर येन आपका जो है मंथली अबव 60 बुलिशनेस है, लेकिन इमीडिएटली 148 से 151 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. वीकली इज ऑल्सो अबव 60 बुलिशनेस बरकरार है, बट द कैंडल इज ए डोजी कैंडल. डोजी का मतलब पॉज अबव द हाई कंटिन्यूशन बिलो द लो सेल ऑफ. और डेली जो है यहाँ पे हम एक नेगेटिव बायस ढूंढ रहे थे. ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया था, उसके बाद फॉलो थ्रू सस्टेन कर नहीं पाया. रेदर एनएपी डेटा के बाद एक डी डाउन किया था टुवर्ड्स 144.50 के आसपास, उसके बाद फिर रिकवर कर चुका है. दैट बीइंग द केस डॉलर येन पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, लेकिन बीओजे का आपका जो स्टैंड है हमें रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करना पड़ेगा. यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है बीओजे बोर्ड मेंबर नाओकी तमुरा सिग्नल्स इन्फ्लेशन इज क्लियरली इन साइट हिंटिंग एट ए पोटेंशियल एंड टू नेगेटिव रेट्स नेक्स्ट ईयर व्हिच कुड बोल्स्टर द येन फर्दर. लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होने वाला है 2024 ऑनवर्ड्स. सो हमें एक ब्रॉडर पिक्चर दिमाग में रखना है जहाँ पे येन स्ट्रेंथ के लिए पॉसिबिलिटीज है. येन आईएनआर पे हम यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था. अभी स्टॉप लॉस जो है इसके लो के नीचे होगा स्टॉप लॉस. सो हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या ये बाइंग सेटअप प्राइस मीन्स रिस्क मीन्स स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं या प्रॉफिट की तरफ जाते हैं. डॉलर कैंडी कल दोबारा सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है. इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 113650 की तरफ है. एक नजर मंथली पे. मंथली जो है वो अप्रोचिंग 60, करेंटली 57.07. दैट बीइंग द केस ऊपर में रेजिस्टेंस है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न. वीकली जस्ट RSI 60 के नजदीक आके टर्न डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं. दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है. डोजी का मतलब अबव द हाई कंटिन्यूशन बिलो द लो सेल ऑफ. सो यहाँ पे बिलो द लो अगर आते हैं आने वाले दिनों में नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स, तभी जाके एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर जो है ये प्राइस आपको मंथली एक नजर देख लेते हैं. मंथली नीचे की तरफ सपोर्ट है. सो कंसोलिडेशन नीचे की तरफ हो सकता है, ज्यादा सेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं है. और आपका वीकली जो है वीकली एक साइडवेज टाइप ऑफ कैंडल्स बनाया है बिकॉज ऊपर की तरफ रिजेक्शंस है. सो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट भी है. सो एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट हो सकता है. डेली चार्ट में क्या ये RSI 40 में सपोर्ट लेके दोबारा रेन शिफ्ट करेगा, ये हमें देखना है. अगर रेन शिफ्ट करता है इन सच केस एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चाइनीज इवन कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है. एक नजर मंथली एंड वीकली में डाल लेते हैं. मंथली जो है वो यहाँ पे इमीडिएट जो 7.3670 उसके नजदीक एक चैलेंज आ रहा है. RSI एट 60 ये पलटी कभी भी मार सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है. सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है. वीकली अबोव 60 RSI, बट प्राइस जो है वहां पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्मॉल बॉडी कैंडल्स बन रहा है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हमें जरूरी है. डेली पे PBOC का जो स्ट्रिक्टर
मिड पॉइंट फिक्सिंग चल रहा है, दैट इज कॉल्ड चाइनाज युआन स्टेडीड अगेंस्ट द डॉलर बाउड बाई द पीबीओसी इज परसिस्टेंटली सेटिंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड डेली मिड पॉइंट्स, ये इस कारण अंडर कंट्रोल पे है पीबीओसी, चाइनीज युआन फर्दर डेप्रिसिएशंस नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो आपका September 25th ऑनवर्ड्स जो रियल्टी सेक्टर में मॉर्गेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें स्लैश करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मीन्स हल्का सा सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं सेक्टर को। यूके ऑयल मीन्स द ब्रेंट ऑयल काफी स्ट्रांग है 88.70, ये 88-89 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये एक लास्ट पॉइंट है, काफी तगड़े कैंडल के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना क्या इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। अभी आते हैं 10 ईयर ट्रेजरी। 10 ईयर ट्रेजरी कल पुल बैक किया एट 4.18, RSI अप्रोचिंग 60, तो डेली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एक नजर मंथली एंड वीकली में डाल लेते हैं। मंथली में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है अबव 60 RSI, वीकली में भी स्ट्रेंथ है अबव 60, लेकिन थोड़ा सा प्राइस जो है स्मॉल बॉडी कैंडल्स बना रहे हैं। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें थोड़ा सा मीन्स वेट एंड वॉच करना है। ऑलरेडी वी नो व्हाट इज दिस, फेड का रेट कट का कब आएगा तब तक हमें इंतजार करना है। उसके बाद यूएस 2-ईयर ट्रेजरी 4.88, यहाँ पे एक पिन बार बनाया है, ये जो सपोर्ट लाइन था इसको तोड़ नहीं पाया, रदर सपोर्ट लिया, यानी आने वाले दिनों में थोड़ा सा अपवर्ड हल्का सा अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 5.08 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।